सो फ्रेंड्स, माउंट रिगी बहन से हम लोग वापस आ गए। ये है अर्थ रिगी बहन करके रेलवे स्टेशन है, जस्ट 5 मिनट यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत सा ये टाउन है और लेक भी दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज़ के लिए। सो ये बड़ा ब्यूटीफुल सा टाउन है, छोटा सा मतलब विलेज टाइप का ही है, लेकिन यहाँ के विलेज भी कमाल के हैं भाई। मतलब साफ़ सफाई, और सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगा जो वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब बहुत ही टाइम से ट्रेन्स, बसेस, ट्रैम इजीली अवेलेबल है, कहीं भी जाने आने के लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत ही इजी है ये सारा, सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टमेटिक है सारा कुछ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, अभी हम वापस जाएंगे। हाँ, टॉयलेट रूम में कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग कुछ है, तो मैंने कहा चलो हम भी देख के आते हैं कि क्या है ऐसा इंटरेस्टिंग। गो, ये देख लो, आइस से खेलना अब इसको। थ्रो, अच्छा सोफ्रा पिज़्ज़ा, ब्यूटीफुल टाउन है। तो ये गए इस साइड में, सो नेक्स्ट ट्रेन जो कि हमें ज्यूरिक वापस लेके जाएगी, उसमें हाफ एन आवर का अभी गैप है, मीन्स टाइम है हाफ एन आवर। तो तब तक हमने सोचा कि ये टाउन थोड़ा घूमते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऊपर काफ़ी ज़्यादा आइस थी माउंट रिगी में। अगर आपने व्लॉग्स नहीं देख रहे तो ज़रूर देखना, सारी सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है स्विट्ज़रलैंड की। और चलो अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि ये टाउन कैसा है। यह टाउन के अंदर, लेकिन कभी कभी मैं नीचे करके सर बात करती हूँ। डिनर के अंदर गए हैं कुछ लेने के लिए शायद, चलो हम भी देख के आते हैं। ओके, सो व्हाट इज अवेलेबल हियर। ये है चॉकलेट शॉप, स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट बहुत ही फेमस है। सो वापस आ गए हम कूप मार्केट।
पीछे आने के बाद ये टाउन, क्या नाम था इसका, नाम अर्थ गोल्डो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे हम ट्रेन लेंगे और वापस आ रहे हैं ज्यूरिख। Have a look at me. Bye bye, कर दें।